इस समय हम कटरा बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट की सुम्बड़ टनल के पास खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, और ये T48R सुम्बर इस टनल की जगह का नाम है, यानी इस पोर्टल का नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास की चट्टानों को किस तरीके से स्टेबलाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दो दो नाले निकलते थे, नाले मतलब पहाड़ी नाले, जिनके पानी को डाइवर्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पर ये जगह बनाई गई। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 10.2 किलोमीटर लंबी ये टनल है, जिसका जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं निकला है, और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये टनल है, इसके नीचे टनल है, और ये टनल पीछे चली जाती है धर्म तक, धर्म के बाद फिर आगे संगलदान के लिए टनल है। तो टनल के अंदर हम कह सकते हैं कि आपको हमने दिखाया, अब हम बाहर का इलाका दिखा रहे हैं, सुम्बड़ में किस तरीके की व्यवस्था की गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टनल जब ख़त्म होती है उसके बाद के पोर्शन को भी हम कह सकते हैं कंक्रीट से ढका गया है, ये टनल आगे तक एक्सटेंड की गई है, और इसमें जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको ऊपर जो ये पीले रंग की, इसको भी लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर पानी अंदर नहीं जाएगा, तो पूरी व्यवस्था की गई है टनल को सुरक्षित करने के लिए। सुम्बड़ से जब बाहर आती है ट्रेन, उसके बाद आपको एक रेलवे ब्रिज दिखेगा, और उस रेलवे ब्रिज के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की लॉन्चिंग चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉर्टक्रीट किया गया है, और आसपास का जो इलाका है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन सुविधा मिलने जा रही है, क्योंकि रेलवे की जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आवाजाही का बेहतरीन साधन है इलाके के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन सुम्बड़।